माझी प्रखंड के बंगारा पंचायत स्वर्गीय कमलदेव नारायण सिंह के पुत्र व पूर्व जिला परिषद के सदस्य अनुज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के पद पर अवधेश सिंह को चयनित होने पर गांव, घर एवं क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं उनके अग्रज व पूर्व जिला परिषद सदस्य अशोक सिंह ने अपने निजी आवास पर संपादकों को बताया कि अवधेश सिंह महाधिवक्ता पद पर चयनित होने पर खुशी है। अवधेश सिंह महाधिवक्ता ने दूरभाष पर जानकारी दिया, मैट्रिक मटियार हाई स्कूल से 1991 में पास किया था। इसके बाद मेरा सारा शिक्षा दीक्षा दिल्ली से हुआ है। यह श्रेय मेरे माता पिता को एवं समाज को जाता है। वहीं जन सुराज के पार्टी के नेता प्रभाकर दुबे उर्फ मुन्ना बाबा ने बताया कि अवधेश सिंह सर्वोच्च न्यायालय के पद पर महाधिवक्ता पद पर चयनित, बधाई देने का तांता उनके दरवाजे पर लगा हुआ है। प्रभाकर दुबे उर्फ मुन्ना बाबा ने कहा कि वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे, साथ ही दर्जनों लोगों ने अपना खुशी का इजहार किया। उनके दरवाजे पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। उक्त मौके पर मिथिलेश सिंह, जितेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के धार जिला के आर्ची अधीक्षक मनोज सिंह, अनिल सिंह इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अब तो पूर्व जिला परिषद सदस्य थे, आपके यहाँ खुशी का माहौल है, आपके भाई जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चयनित हुए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण काम में वो लगे थे जी। पहले भी वो राम जन्मभूमि में भी वकील थे, गोधरा कांड में भी वकील थे, और ऐसी बहुत सी समस्या है जिसमें वो वकील रहकर अच्छे कार्य का निर्वाह। क्या नाम है उनका? अवधेश कुमार सिंह। आपके दो भाई ना है सुप्रीम कोर्ट जी? एक भाई राजेंद्र कुमार सिंह है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से स्टैंडिंग काउंसिलर भी है, वो साइबर क्राइम के अधिकतर केस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट। गांव में खुशी का माहौल है, आपके यहाँ भी खुशी का माहौल है, सारे लोग गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए, इस पर आपको क्या कहना? बहुत हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे परिवार में और अब मेरे गांव का नाम का रोशन किया है लड़का, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू। आपके दोस्त सुप्रीम कोर्ट में वकील के पद पर चयनित हुए हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे कि बचपन से ही बहुत मेघावी थे और पूरा परिवार को लेकर कर समाज को लेकर के इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान किया है और गांव के लिए भी हर समय कुछ करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा भी पल होगा जो आप लोगों दोनों आदमी के बीच में हुआ होगा, ऐसा कुछ जो कि ऐतिहासिक पल हो? गांव में जब भी वो आते हैं वहां से दिल्ली से, तब हम लोग साथ में रहते हैं, सब जगह घूमते फिरते हैं और गांव का जो भी समस्या है उसका समाधान करने के प्रयास करते हैं। यानी कि पूरे परिवार या समाज में खुशी का माहौल है। जी जी, जी बहुत 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 थैंक यू। मेरा नाम संजय सिंह हुआ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, शुरू से ही इतना मेघावी लड़का था कि हम लोग को आशा था कि कुछ न कुछ आगे चलकर करेगा, गांव का नाम रोशन तो हुआ, आज देखने को मिला है। पूरा गाजे बाजे के साथ उधर देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो उत्सव का माहौल है। थैंक यू। आपके गांव में खुशी का माहौल आज दिखाई दे रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट में अभी अधिवक्ता के रूप में चयनित हुए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? गांव में नहीं, परिवार में हुआ है खुशी का माहौल। अच्छा, ठीक है। पहले तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे गांव के लिए गौरव की बात है। उसके बाद हमारा जिला, स्टेट और देश का तो नाम रोशन हुआ है। तो यह बंगरा गांव बहुत संपन्न गांव है और यहाँ एक से एक लोग पड़े हुए हैं और पूरे परिवार हित मित्र के साथ में उनको दिल से माँ भगवती की तरफ से हम लोग शुभकामना देते हैं और पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह का माहौल है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।